वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे वाटर डायूरेसिस वर्सेस ऑस्मोटिक डायूरेसिस के बारे में। कई बार इस पर शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है और एमसीक्यूज में इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इन दोनों का क्या डिफरेंस होता है? तो सबसे पहले हम लेंगे वाटर डायूरेसिस। सो वाटर डायूरेसिस रिफर्स टू एन इंक्रीज्ड यूरिनरी आउटपुट फॉलोइंग एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर हो या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो बॉडी में इंजेक्ट हो, तो उस कंडीशन में वाटर डायूरेसिस हो जाता है, क्योंकि यूरिनरी आउटपुट जो है या यूरिन आउटपुट जो है वो बढ़ जाता है। इट अकर्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ADH इन प्लाज्मा। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ADH इन प्लाज्मा। और ADH जो है वो किस पर एक्ट करता है? लेट डिस्टल ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स पे। तो अगर एब्सेंट हो जाए ADH, तो यहाँ से वाटर का जो 10-12% रीअब्सॉर्प्शन होता है वो नहीं हो पाता, तो वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा यूरिन में अपेयर हो जाता है। तो इसकी जो मैकेनिज्म है वो कैसे होती है? इंक्रीज वाटर इनटेक या कोई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो प्लाज्मा की जो ऑस्मोलैलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, यानी ऑस्मोल्स का नंबर उस हिसाब से कम हो जाता है क्योंकि वाटर इनटेक बढ़ गई। तो इनहिबिट ऑस्मोरिसेप्टर्स इन एंटीरियर हाइपोथैलेमस। तो जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस में ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं जो कि ऑस्मोल्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने पर स्टिमुलेट हो जाते हैं, अब चूँकि वाटर इनटेक से ऑलरेडी ऑस्मोलैलिटी डिक्रीज हो चुकी है, तो ये इनहिबिट हो जाते हैं, यानी स्टिमुलेट नहीं होते। और जब ये इनहिबिट हो जाते हैं तो डिक्रीज ADH सिक्रेशन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH का जो सिक्रेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज वाटर परमिएबिलिटी ऑफ डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो वाटर का यहाँ से जो रीअब्सॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज वाटर रीअब्सॉर्प्शन एंड फाइनली इंक्रीज यूरिन ऑस्मोलैलिटी, इंक्रीज यूरिन वॉल्यूम। तो यूरिन में निकलने वाले अमाउंट में वाटर का वॉल्यूम अमाउंट बढ़ जाता है, तो यूरिन की वॉल्यूम बढ़ जाती है, साथ में जो ऑस्मोल्स हैं उसके लेवल पे वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। सो दिस इज़ अबाउट वाटर डायूरेसिस। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं कि यूरिन आउटपुट जो है वो तकरीबन 20 लीटर पर डे तक बढ़ जाता है। यूरिन फॉर्म्ड इज डाइल्यूटेड एंड ऑस्मोलैलिटी बिलो 50 मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन बिलो 1.1010। ये तीनों MCQ बेस्ड क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब हम ऑस्मोटिक डायूरेसिस की बात करते हैं तो इट रेफर्स टू एन इंक्रीज यूरिन आउटपुट। इसमें भी यूरिन आउटपुट इंक्रीज होता है, लेकिन कारण क्या होता है? बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक इफेक्ट। वाटर डायूरेसिस में क्या कारण था? बिकॉज ऑफ इनटेक ऑफ इंक्रीज वाटर या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड एब्सेंस ऑफ ADH। जबकि ऑस्मोटिक डायूरेसिस के अंदर यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा, लेकिन ऑस्मोटिक इफेक्ट यानी ऑस्मोल्स की वजह से। क्यों? क्योंकि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ अनरीअब्सॉर्ब्ड सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, और ये एक्सर्ट करते हैं ऑस्मोटिक इफेक्ट। अब इसके जो फीचर्स हैं, अगर हम देखें कि वाटर डायूरेसिस और ऑस्मोटिक डायूरेसिस के क्या फीचर्स हैं, तो ये सारे MCQ क्वेश्चंस बनते हैं। तो यूरिन कैरेक्टरिस्टिक्स में वॉल्यूम जो है वाटर डायूरेसिस में 20 लीटर पर डे से ज़्यादा हो जाती है, ऑस्मोटिक डायूरेसिस में भी 20 लीटर पर डे से ज़्यादा हो जाती है। ऑस्मोलैलिटी जो है वो 50 मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम ऑफ वाटर होती है, जबकि ऑस्मोटिक डायूरेसिस में जो ऑस्मोलैलिटी है वो मोर देन 300 मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम ऑफ वाटर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑलवेज बिलो 1.010, और इसमें ऑलवेज मोर देन 1.010 होती है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, कई बार MCQs में पूछे जाते हैं, आप इसे ध्यान रखें तो आप इसके आंसर दे पाएंगे। पैथोफिजियोलॉजी और कॉज क्या होता है? तो जो वाटर डायूरेसिस होता है, इट अकर्स ड्यू टू एब्सेंस और रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ ADH। और वो क्यों हुआ था? क्योंकि जो इंक्रीज वाटर इनटेक हुआ था की वजह से प्लाज्मा की जो ऑस्मोलैलिटी है वो डिक्रीज हो गई। अब इस डिक्रीज हो गई तो डिक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ ऑस्मोल्स, ऑस्मोरिसेप्टर्स एट एंटीरियर हाइपोथैलेमस, बिल्कुल वही सीक्वेंस, तो ADH का सिक्रेशन डिक्रीज हो गया। कंडीशंस क्या रही? डायबिटीज इंसिपिडस या एक्सेसिव वाटर ड्रिंकिंग। जब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक डायूरेसिस की, तो इट अकर्स ड्यू टू लार्ज क्वांटिटी ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड, जो कि एब्जॉर्ब्ड होने चाहिए, अनएब्जॉर्ब्ड सॉल्यूट्स विच एक्सर्ट ऑस्मोटिक इफेक्ट।
और कंडीशन क्या होती है इसमें कि फिल्टर्ड लोड बढ़ जाता है किसका, सोडियम का, ग्लूकोज का जो कि डायबिटीज़ मेलिटस में देखा जाता है, यूरिया एक्सेट्रा, एंड एक्सीड ट्यूबुलर मैक्सिमम, और ट्यूबुलर मैक्सिमम जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा, कोई मनीटॉल या अदर पॉलीसेक्राइड्स का एडमिनिस्ट्रेशन हो तो सब्सटेंसेस फिल्टर्ड बट नॉट एब्जॉर्ब बाय ट्यूब्यूल। सो ये सब्सटेंस फिल्टर तो होते हैं GFR में लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होते, तो एब्जॉर्ब नहीं होने की कंडीशन में ये यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। सो एक्सेसिव NaCl एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा कि जब एक्सेसिव अमाउंट में NaCl का एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो ये सारी जो इफेक्ट है ये क्या करते हैं, ऑस्मोटिक डायूरेसिस। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन MCQs में पूछ लिया जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ ट्यूब्यूल्स, तो कहाँ कहाँ किस तरह से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, PCT में नॉर्मल होता है, ठीक है, आराम से। लूप ऑफ हेनले में नॉर्मली होता है, ठीक है, जिसमें कि असेंडिंग लिम्ब जो है, जो हम आपको पहले बता चुके हैं, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। DCT एंड कलेक्टिंग डक में जो है ये डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ ADH। तो वाटर डायूरेसिस में इसमें क्या होगा कि लैक ऑफ ADH की वजह से जो है, तो जो वाटर डायूरेसिस है उसमें PCT में जितना नॉर्मली एब्जॉर्प्शन होता है 60-70% वो हो जाएगा, लूप ऑफ हेनले से जितना 10-20% होना एब्जॉर्ब वो हो जाएगा, लेकिन जितना DCT और CT में होना है 10-12% वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ADH का यहाँ इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ADH जो है वो डिक्रीज अमाउंट में सीक्रेट हो रहा है या फिर हो ही नहीं रहा है, ठीक है। जब हम ऑस्मोटिक डायूरेसिस की बात करते हैं तो PCT में जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, लूप ऑफ हेनले में भी डिक्रीज़ हो जाएगा, जबकि यहाँ जो है वो नॉर्मल है। ये अनदर MCQ क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज़ नॉट सेट अप टू द डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन इन PCT। DCT और CT में भी डिक्रीज़ हो जाएगा, जबकि ADH का जो सीक्रेशन है वो इस कंडीशन में नॉर्मल हो रहा है, क्योंकि जो ऑस्मोल्स होते हैं उसकी वजह से, क्योंकि ऑलरेडी जो प्लाज्मा है वो हाइपोटोनिक है, ठीक है। तो अनएब्जॉर्ब जो मटेरियल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, वो यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज़ ऑस्मोटिक डायूरेसिस। सो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए वाटर डायूरेसिस वर्सेस ऑस्मोटिक डायूरेसिस, या कोई MCQ क्वेश्चन आए, तो इस चैप्टर के थ्रू आई होप कि आप अच्छे से उसका आंसर दे पाएंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरह के और फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं डॉक्टर शिखा, मेरे जो लिंक है टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल है, आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।